एक तरफ जहां केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार भी शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती। लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। तस्वीरें जिला मुख्यालय चंबा से लगभग 60 किलोमीटर दूर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेलका की हैं, जहां लगभग 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये स्कूल लगभग 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, लेकिन यहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का भविष्य दिन प्रतिदिन अंधकार में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल स्कूल में इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और सीनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वहीं स्कूल प्रशासन और अध्यापक भी परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से कई बार इसे लेकर उच्च अधिकारियों से पत्राचार हो चुका है, लेकिन समस्या सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में स्कूल के छात्रों, अध्यापकों और कार्यवाहक प्रधानाचार्य का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। हमारे स्कूल में मैंने विज्ञान विषय ले रखा है, हमारे स्कूल में फिजिक्स, मैथ एवं बायो के टीचर नहीं है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि वह हमारे स्कूल में फिजिक्स, बायो एवं मैथ के अध्यापकों नियुक्त करवाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं यहाँ पे बहुत दूर से पढ़ने के लिए आता हूँ, तो तेलका स्कूल में स्टाफ की बहुत ही कमी है। मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, कॉमर्स में एक पद रिक्त है और इंग्लिश के लेक्चर की भी कमी है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इन पदों को भरे, जिसके कारण हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। स्टाफ की सर 60 पोस्टें हैं, जैसा कि आपने देखा खाली है, यहाँ पे वैकेंट है और स्टाफ की तो कमी है सर। यहाँ पे क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मांग सर यही है कि अगर प्रॉपर अगर स्टाफ पूरा होगा तो हम भी काम लेना, हमें भी आसान होगा। जैसे अब आपने देखा बायो की पोस्ट या साइंस के पोस्टें खाली हैं, साइंस बच्चों ने रखी हुई है, तो कई बार पेपर वो दे देते हैं, अब चेक करवाने के लिए हमें दूसरे स्कूलों को या किसी को फिर करना पड़ता है। अगर स्टाफ पूरा हो जाएगा तो हमें आसानी होगी और ठीक तरह से होगा काम। ये स्कूल के स्टाफ की समस्या के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जब से मैं यहाँ पे आया था, तो उससे पहले जो 2018 से लेकर जो है आज तक जो है हमारे स्कूल में जो है 7 लेक्चरर की पोस्टें खाली हैं और 3 जो है क्लरिकल की हैं। तो हमने कई बार सरकार से इसके बारे में गुहार लगाई है, परंतु उनके सर पे कोई भी जू नहीं रंगती है सर। जितना भी कई बार मीडिया के माध्यम से भी हमने उनको अवगत करवाया, तो मेरी तो सरकार से यही मांग रहेगी कि जब तक स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकारमय है और कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो हमारी साइंस विंग की क्लासेज हैं उसमें जो हमारे 15 बच्चे लगभग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और उस साइड सिर्फ एक केमिस्ट्री का लेक्चरर है सर, और सारे पोस्टें जो खाली पड़ी हुई है। तो अध्यापक के बिना जो है बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये तो हम सब लोग जानते हैं, परंतु पता नहीं सर क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है ये, इसके बारे में अब हमें भी अवगत नहीं। हमने कई बार अखबार के माध्यम से भी गुहार लगाई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर जितनी जल्दी हो सके हमारे स्कूल में जो है स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, और ताकि जो है हमारे बच्चे का जो है भविष्य जो है वो अंधकार में ना जाए सर। छात्र, अध्यापक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य सभी अध्यापकों की कमी से परेशान हैं और बार बार सरकार व प्रशासन को इस बारे में लिख चुके हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी पूरी नहीं हो रही। ऐसे में सवाल उठता है कि कहां है बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और प्रशासन, आखिर क्यों स्कूल में खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। जरूरत है कि तुरंत स्कूल में रिक्त अध्यापकों के सभी पदों को भरा जाए, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उन्हें अच्छी और पूरी शिक्षा मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।